किसान भाइयों, मेंथा की खेती और सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए यह मशीन किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप पिपरमिंट की खेती करते हैं तो आपको पता होता है कि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की एक निश्चित दूरी होती है, जिसमें कि यह मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठता है। अगर आपको मशीन पसंद आती है, आप इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा खेत है, यहाँ पे पिपरमिंट की बुआई है और मैंने जो है कि लाइन से लाइन जो दूरी है वो एक निश्चित रखी, करीब करीब 1.5 फीट के आसपास रखी, जिसमें कि यह मशीन पूरी तरह से अच्छे से फिट बैठता है। और जहाँ तक तेल और खर्चे की बात करें तो आपका करीब करीब 150 से 200 रुपये में मैक्सिमम, अगर आप थोड़ा आपका हाथ साफ नहीं है इस मशीन पे, तो आपका 200 रुपया 1 बीघे में लग जाएगा। लेकिन अगर जैसा जैसा आप इस मशीन के साथ अपनी साझेदारी समझ लेते हैं कि कैसे इसको हैंडल करना है, तो वैसे वैसे आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। आप 150 से 100 रुपये तक प्रति बीघे में इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी मजदूर को लगाना खेत में कितना मतलब टेंशन वाला काम होता है। आप रहे या ना रहे, मजदूर का काम करना उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो किसान भाई नहीं कर पाते हैं और मजबूर होते हैं, तो ये मशीन उन किसानों के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है जो मेंथा की खेती किए हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मेंथा की खेती भी दो तरीके से लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें क्या है कि लाइन से लाइन अगर दूरी है तभी यह मशीन आपका सक्सेस होगा, तभी आप इसका खरीदेंगे और इसका जो है कि वाजिब उपयोग कर पाएंगे। अगर आप जो है कि रैंडमली जैसे धान बोया जाता है वैसे आप अगर मेंथा की बुआई करवाए हैं, तो फिर तो ये मशीन किसी काम की नहीं है आपके लिए। हाँ, अगर आपने मेंथा की बुआई करवाई है, लाइन से लाइन दूरी बरकरार रखी है, तभी आपके लिए यह कारगर साबित हो सकती है। आप ध्यान रखें, सिंचाई के कई दिन बाद इसको ना चलाएं, क्योंकि ज़मीन हार्ड हो जाती है और यह कुदाल की तरफ बिल्कुल भी काम नहीं करता है। यह इसके लिए थोड़ी नमी अधिक होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, निराई गुड़ाई करने में आसान हो, मशीन छटके ना, यानी मशीन झटका ना दे आपको। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है कि थोड़ी सी ज़मीन टाइट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी मशीन आराम से काम कर ले रही है। 4 दिन हो चुके हैं पानी चले हुए, मशीन यहाँ पे जो ज़मीन है यहाँ पे इसमें नमी बरकरार है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि कैसे मशीन आराम से ज़मीन को चीरते हुए, ज़मीन के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ जा रही है। आपको ध्यान रखना है कि इस मशीन को आपको पीछे की तरफ ही चलाना है। कई किसान भाई ये पूछ रहे थे कि भाई मतलब इसको आगे क्यों नहीं चला सकते। आप इसे आगे भी चला सकते हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर ही रहेगा, ऊपर ऊपर ही चलेगा, जिससे कि क्या होगा कि अगर आप खरपतवार का नाश करना चाहते हैं, खरपतवार को केवल हटाना चाहते हैं, गुड़ाई नहीं करना चाहते हैं, तब इसको आप आगे चलाएं। और ध्यान रखें, आगे चलाने का मतलब ये है कि यह आपका स्पीड और मशीन का स्पीड साथ में जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप मशीन के साथ गिरने का चांस बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपको मशीन कैसे हैंडल करना है। मशीन आपके पास आ जाएगी तो आप सब कुछ सीख जाएंगे, A to Z सीख जाएंगे, कैसे क्या चीज़ें हैं, एक्सेलरेटर का कैसे काम है और किस हिसाब से आपको चलना है, सब कुछ सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने किसान भाइयों के साथ। और अगर आप इस मशीन में इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से पता कर सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। मुझे फॉलो करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।